मंच पर विराजमान हम सभी की मार्गदर्शिका और जिनकी प्रेरणा से हम लोगों ने हमेशा काम को अंजाम दिया है, श्रद्धेय मृदुला सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री माननीय नड्डा जी, यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि पूर्व में महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अब वर्तमान में मानव संसाधन मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी भी हम सबके बीच इस सुखद अवसर पर उपस्थित हैं। नवनियुक्त महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया राहटकर जी, दिल्ली प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष बहन सुधा शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित मेरी सभी बहनों और भाइयों, आज विजया जी का जन्मदिन भी है और हम सब ने उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। हम कहते हैं कि जब किसी काम की शुरुआत हो और वो शुरुआत अच्छी हो, शुभ तरीके से हो, भारत की संस्कृति के अनुरूप हो, तो उसका परिणाम सुखद होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में प्रत्येक कार्य को करने का अलग अलग विधान है और उन विधानों के अनुरूप ही हमने आज उनके जन्मदिन को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आज जन्मदिन के अवसर पर। बहनों, में एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि जब हम काम की शुरुआत करते हैं किसी राजनीतिक दल में, तो एक स्वाभाविक बात है कि राजनीतिक दल में काम करने वाले कार्यकर्ता में महत्वाकांक्षा होगी, और यदि महत्वाकांक्षा नहीं है तो वह राजनीतिक दल का कार्यकर्ता उस उत्साह के साथ काम नहीं करता। लेकिन वो महत्वाकांक्षाएं समय के साथ पूरी हों, ये अगर कोई दल ध्यान में रखता है तो वो केवल भारत में एक ही दल दिखाई देता है, जो भारतीय जनता पार्टी है। और हम गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं जिसने हम बहनों को भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार, यदि ये कहीं पर हुआ है तो केवल भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल में ये हुआ कि हमें 33% आरक्षण हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया, माननीय राजनाथ सिंह जी ने। हम बहनों का मान बढ़ाया, और बहनें काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं तो जब हम अपने काम की शुरुआत करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आज उसकी ही एक बहुत सुंदर कृति के तौर पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की विजया राहटकर जी हैं, जिन्होंने मेयर से अपनी शुरुआत की। एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर बिना राग द्वेष के उन्होंने एक मजबूत संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर काम करके आज अपनी इस पहचान को उन्होंने पाया है। संगठन ने उन्हें पहचाना है, ये अवसर दिया है, और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने व्यक्तित्व के अनुरूप बेहतर संगठन के साथ में सभी बहनों को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विगत दिनों हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शिरकत किए थे, और उस समय उन सब बहनों से उन्होंने आह्वान किया था कि 4 राज्यों के चुनाव हैं और 6 राज्यों में हम मजबूत स्थिति में नहीं हैं। बहनों, हमें काम करना है और आप सब शुरुआत करिए। वो 6 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट, इन सभी को फोकस करिए, और जिन 4 राज्यों में चुनाव है, इन 4 राज्यों के चुनाव में हमको बूथ स्तर तक काम करना है, क्योंकि इस बार परिणाम बदलेगा, ये जनता भी मानती है, हम भी मानते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मैदान में उतरकर काम करना है। तो बूथ स्तर पर हमें किस प्रकार से जाना है, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान था। मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, उस दिन हम सब ने संकल्प लिया था कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उस आह्वान पर हम सब उन 4 राज्यों को फोकस करते हुए बूथ स्तर तक के हमने कार्यक्रम बनाए हैं, और 6 राज्यों में हम शुरुआत कर रहे हैं। उन 6 राज्यों में भी जिला और मंडल तक का दौरा हम लोगों ने तय किया है, आने वाले समय में उसका एक बेहतर परिणाम दिखाई देगा। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए विजया जी से इस बात की भी
अपेक्षा करती हूँ कि इन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के अनुरूप बूथ स्तर तक के तमाम कार्यों को वो अंजाम देंगी। अपनी बहनों के साथ मिलकर महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम सब जिस भावना के साथ मैदान में उतरे हैं, लेकिन एक बहुत सहज और सरल, आज बहुत सारी बहनें यहाँ पर आई हैं जिन राज्यों में चुनाव है, वहाँ पर बहनों ने अपनी मांग भी रखी है चुनाव लड़ने की। 33% वहाँ आरक्षण नहीं हो पाया है और वो 33% आरक्षण वहाँ नहीं होने के कारण कई बार जब काटने की बारी आती है तो वो बहनें ही पीछे रह जाती हैं। लेकिन इस देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पिता की तरह जिन्होंने बहनों की चिंता की है, पहली बार किसी भाई ने ये कहा है कि घर में शौचालय हो, हम तो कह भी नहीं पाते थे, और ऐसा कोई घर ना छूटे जहां शौचालय नहीं हो, कोई स्कूल ना छूटे, बहनों की शिक्षा की चिंता की है, बहनों की सुरक्षा की चिंता की है। ये बात अगर कोई करता है तो कभी पिता करता है तो कभी भाई करता है, और आज पहली बार लगा कि देश में, इस प्रजातंत्र में हमारा कोई भाई बैठा है, हमारा कोई ऐसा हमदर्द बैठा है जो हमारी तकलीफ़ों से वाकिफ़ है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए, इन तमाम चीज़ों से वो वाकिफ़ है। तो 33% आरक्षण के लिए भी हम सब बहुत उम्मीद रखे हैं, और आने वाले समय में ये जिस पर लगातार 10 सालों तक कांग्रेस ने राजनीति की है, हम 33% आरक्षण बिल पारित करेंगे, इन विषयों पर राजनीति करने वाले उस दल का हर्ष आज पूरा देश देख रहा है। जनता ने उन्हें इतनी सीटें भी नहीं दी कि वो अपना नेता प्रतिपक्ष बना पाए, लेकिन विगत दिनों कांग्रेस का महिला सम्मेलन हुआ, वो महिला सम्मेलन में उनके नेताओं ने जो कहा उससे ये बात समझ में आ रही थी कि इनके बुद्धि और विवेक का अब दिवाला निकल गया है। जिनका बुद्धि और विवेक ही नहीं होगा वो ऐसी ही बात करेंगे। आदमी हारता है तो उस हार को पीना आना चाहिए, लेकिन जब हम हार को पी नहीं पाते हैं तो ऐसी ही बातें करते हैं। वहाँ पर उनकी नेता ने जिस भाषा में विषयों को कहा, जो सपने देखते हैं और सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आम नहीं होता है, ऐसा व्यक्तित्व खास होता है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर सपने देखे हैं तो लोगों को भी दिखाए हैं और पूरा करने की शुरुआत किए हैं। अच्छे दिन हम सब के लिए, एक बेहतर भविष्य की ओर हम सब आज से देख रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को हम बहनों को क्षेत्र में लेकर जाना है, बूथ स्तर तक लेकर जाना है। बहनों, इन विषयों के साथ मैं आज बहुत सारी शुभकामना देती हूँ विजया जी को कि आप बहुत आगे बढ़ें, महिला मोर्चा को एक मजबूत आधार दें, क्योंकि हम देश की आधी आबादी हैं। हम बहुत भावनात्मक तौर पर बहनों के साथ जुड़ते भी हैं, और जब हम नीचे तक जाते हैं तो हम अपने दल को बहुत आसानी से, अपने दल की तमाम भावनाओं को घरों तक पहुंचा देते हैं। एक चाय के माध्यम से हमने अपनी तमाम बातों को लोगों तक पहुंचा दिया, तो हम अगर घर के चूल्हे तक पहुँचते हैं तो कितनी आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं। बहनों, में आज के इस अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी हमारे बीच में हैं। हम सब कहते हैं कि जब बहनें आगे बढ़ती हैं तो कोई ना कोई भाई ज़रूर पीछे होता है, और किसी पुरुष के आगे बढ़ने में बहनों का भी हाथ ज़रूर होता है, लेकिन जब बहन आगे बढ़ती है और भाई जब ताकत के साथ पीछे खड़े होते हैं तो वो बहन जिस धरातल पर खड़ी होती है वो यथार्थ का धरातल होता है, बहुत मजबूत होता है। और आज हमारे भाई यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ कि वो आज हम सबके बीच में हम बहनों का मनोबल बढ़ाने के लिए आए हैं, और राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर तो वो यहाँ पर हैं। मैं उनका एक बार फिर से अभिनंदन करती हूँ, ये सौभाग्य हम लोगों को मिला है, और हम बहनों के साथ आप मजबूती से खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से विजया जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य के साथ, उनके आने वाले कार्यकाल की शुभकामना के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।